सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों पर है। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की मूर्ति बनाने में मूर्तिकार वर्ग के लोग जी जान से अपने काम में जुटे हैं। उन लोगों का कहना है कि वह बचपन से ही मिट्टी ढोते आ रहे हैं, मूर्ति को एक आकार और सजीव रूप देते हैं। उस मूर्ति के आगे सभी सिर झुकाते हैं, बावजूद उनका जीवन यापन किसी तरह चल रहा है। एक मूर्ति को बनाने में वह कई दिनों तक कड़ी मेहनत करते हैं। कहते हैं कि उनके लिए न तो सरकार न कोई योजना आ रही है। मूर्तिकार ने कहा कि उनके जीवन में खुशहाली नहीं रहती है, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। मूर्तिकार ने बताया कि मूर्ति बनाने की कला हमारी रोजी रोटी का जरिया है, मगर कोरोना महामारी ने सब कुछ बंद कर दिया। पिछले साल भी कोरोना महामारी ने सभी मूर्ति कारोबारों की कमर ही तोड़ दी थी। अच्छा, कोविड के बाद तो आप लोग का ये पहला मतलब सरस्वती पूजा हुआ ना, तो कैसा मतलब इनकम है इस बार? इस बार कुछ भी नहीं है सर, एकदम मतलब पिछले दो साल से जो पिछले बार तो हम आए भी नहीं किया है, मतलब कोरोना के चक्कर में। तो इस बार हम आए हैं, पूरा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन मूर्ति बिकी नहीं रहे, कोई कस्टमर भी आ ही नहीं रहे। कहाँ से आते हैं आप? बंगाल से, कलकत्ता नदिया डिस्ट्रिक्ट से। इस बार एकदम पूरा लॉस में जा रहे हैं। मूर्ति बिका नहीं अभी तक? कितना बनाया अभी तक? 100 के आसपास में बना। मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकला अभी तक? तो सरकार से क्या चाहते हैं, मतलब कुछ डिमांड है आपका? डिमांड तो सरकार से क्या, मतलब जो पूंजी लागल है इसमें थोड़ा मिल जाता तो ठीक रहता। क्या नाम हुआ? युधिष्ठिर पाल। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।